Of course, it was a very wonderful show. मैं खुद बहुत miss कर रहा हूँ. I never expected this, but हाँ, the story was like that. तो story जैसे churn होती ही आगे. So that's how it is. आपको निम्रत का नया look कैसा लगा? Oh, she's wonderful. She's an amazing actor. The way she pulls off, it's amazing. So Seher also, she's playing it really well. मेरी बेटी बहुत अच्छा काम कर रही है. मैं नहीं कन्विंस था, बट दैट्स नॉट ट्रू. आई वॉज वेरी मच कन्विंस, बट दैट वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द स्टोरी. जो इनिशियल में स्टोरी बताई गई थी उसमें इतना ही था हमारा कैरेक्टर. सो आई न्यू के जब एंड होगा. So I know it's very unfortunate for the fans because दोनों characters बहुत ज़्यादा hit हुए, मेहर और सरफ, और वो एक iconic characters बने हैं. तो इसलिए दुख तो लगता है, but हर एक show का एक end होता है. So इसका भी था, but I'm glad कि जितना प्यार और जितनी support और जितना स्नेह लोगों ने हमें दिया है वो काबिल-ए-तारीफ थी. Thank you so much. I have no idea, but I would still like to thank Iconic Productions, Mr. Mohammed and Nagam and Latif for, you know, presenting me this and for giving me this opportunity to come here and, you know, take this award. So there are, I think, three categories. One of them is the Dashing Personality of the Year. So I just hope that वही मुझे मिल जाए. जैसे कि आप देख रहे हैं मैं बहुत कम बोलता हूँ, तो बिग बॉस के लिए मैं बिल्कुल नहीं बना, बट आई विल स्टिल. बट वो खबर गलत होगी ना, मैं OTT पे नहीं हूँ, मैं इधर हूँ अभी आपके सामने. सो लेट्स सी, अगर कलर्स का जब आएगा सो आई डोंट नो. सूत्रों से ओके, सो देखेंगे जब आएंगे. बट आई एम आई थिंक इट्स अ वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस फॉर पीपल हु गो इनटू बिग बॉस. बहुत ही एक डिफरेंट सा प्लेटफॉर्म होता है. मैंने कभी ऐसा प्लेटफॉर्म ना मेरी जिंदगी में आया है. मैं हमेशा फिक्शन से रिलेटेड रहा हूँ, मैंने हमेशा एक्टिंग की है, बट आई डोंट नो हाउ. It's just to watch only, it's so thrilling because इतने सारे लोग इतने दिनों तक अंदर रहते हैं, इतने सारे कंटेस्टेंट्स आपस में. हमें दो महीने का एक्सपीरियंस हुआ था अभी जब हम दिल्ली में थे कोविड के टाइम पे, व्हेन वी वर शूटिंग इन दिल्ली. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सब ऐसे इकट्ठे थे, तो एक बिग बॉस टाइप ही माहौल था. तो मुझे थोड़े थोड़े उसके ट्रेलर्स मिल चुके हैं. अब आई डोंट नो, आगे जाके अगर बिग बॉस में जाना चाहूँगा, अगर इन केस, सो मैं वो बैक हैंड में वो दिमाग में रखा हुआ है, वो वहाँ पर जाके पोर्ट्रे करूँगा. एनी अदर प्रोजेक्ट जो आपके दिमाग में हो, जो आप करना चाहते हैं? सी आई माय फर्स्ट शो वाज अ थ्रिलर शो. अगर मैं कभी आगे शो करना चाहूँगा तो मैं एक थ्रिलर शो करना चाहूँगा. सो आई वुड बी मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स दैट. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू.